आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने असम के सीएम पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं में मुसलमानों को खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी हुई है। लगता है होड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा रुलाएगा। यह बयान है सांसद एसटी हसन का, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद। बड़ा बयान, असम के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कहा है कि भाजपा नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा रुलाता है। बड़ा हमला, कहते हैं लगता है होड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा रुलाएगा। लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले, उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की किलाधारी लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने ट्वीट किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर सफाई दी है। ये देखिए, एक का आरएसएस की तरफ से ट्वीट आया है और ट्वीट में सुनील आंबेकर ने सफाई दी है मोहन भागवत के बयान पर। उन्होंने लिखा है कि सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है, सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित विद्वान लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है मोहन राव भागवत के बयान को, जो कि संघ प्रमुख है। कल जो उन्होंने कुछ कहा, उन्हीं के बयान को यहां पर सुनील आंबेकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत रविवार को मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम बटे नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थी लोग अपने आप बड़े हो जाते हैं। दोष तर उघडउघड दिसतात। आपल्या लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। इतका खाली उतरलेला हा समाज, हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे, याची परंपरा मोडून काढायच्या लायकीची असा आहे का? असं आहे की नाही हे पंडित लोक सांगू शकत नाही। तो आपने देखा संघ प्रमुख का बयान हमने आपको दिखाया, मराठी में था, उसका हिंदी अनुवाद आपने देखा। इसी बयान को जो कल मोहन भागवत ने दिया था संत रविदास जयंती के अवसर पर, उसको आज संघ की ओर से ट्वीट करके सुनील आंबेकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सुनील आंबेकर ने कहा है कि पंडित यानी कि विद्वान लोगों ने, कोष्ठक में विद्वान उन्होंने लिखा, पंडित शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया और बताया कि समता का संदेश दिया कल मोहन भागवत ने संघ प्रमुख ने। उन्होंने यही कहा था मात्र कि जाति वर्ण व्यवस्था पर भगवान का समता, भगवान ने जो बात कही वो ये थी कि सब बराबर है, लेकिन पंडितों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ये गलत था। संघ प्रमुख के इस समता संदेश के बारे में आपको बताएं, उन्होंने कहा कि भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं है, मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, जाति पंडितों ने बनाई भगवान ने नहीं, ये संघ प्रमुख ने कहा था। पंडितों ने श्रेणी बनाई वो गलत थी। समाज में बंटवारे का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। आजीविका का मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारी, हर काम समाज के लिए, तो कोई ऊंचा और नीचा कैसे, यह बात कल संघ प्रमुख ने कही। भगवान ने हमेशा बोला कि उनके लिए सभी एक हैं। देश में विवेक चेतना सभी एक है।
जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ बड़ा हो जाता है। किसी भी हालत में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। संत रविदास ने समाज को विकास की राह दिखाई, ये भी कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चूंकि कल अवसर था संत रविदास जयंती का। बड़ा बयान ये अगर संघ का इतिहास देखा जाए, संघ प्रमुखों की बात की जाए, तो ये उस लिहाज से बहुत बड़ा बयान है। आगे अगली खबर झांसी से है। मानस विवाद पर बोले हैं रामविलास वेदांती, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, यह कहना है रामविलास वेदांती का। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की साजिश है, सपा बसपा और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में डाल देना चाहिए, रामविलास वेदांती का बयान, सांसद रह चुके। कह रहे इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। रामचरितमानस निर्विवाद है, लेकिन जानबूझकर सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विरोधी एक गिरोह बना है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के द्वारा पैसा दिया जाता है कि भारत के लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, भारत में हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर आपस में हिंदुओं को विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।